इंडियन शादियों में खूब हंसी मजाक और ड्रामा होता है। अगर ये नहीं हो तो शादियों में इतना एंजॉयमेंट ही नहीं आता। कई बार तो शादियों में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन्हें देखकर हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे वीडियोस तो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल ही रहते हैं, लोग उन्हें बड़े चाव से देखते हैं। आपका दिन बनाने के लिए हम फनी वेडिंग पार्ट 5 में आपके लिए ऐसे ही वीडियोस का पूरा पुलिंदा लेकर आए हैं, तो हो जाइए तैयार हंसी के समंदर में गोता लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वायरल वीडियो में कैमरामैन स्टेज पर दूल्हे को साइड करके दुल्हन की फोटो ले रहा था। एक दो फोटो तो वह ऐसे खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वो दुल्हन के चेहरे को छूकर उसे सीधा करके फोटो क्लिक करता है, दूल्हे राजा का सब्र जवाब देने लगता है। वो एक बार तो बड़प्पन दिखाकर कैमरामैन को माफ कर देता है, लेकिन जैसे ही कैमरामैन यह हरकत दोबारा करता है, वैसे ही दूल्हा स्टेज पर ही कैमरामैन को थप्पड़ जड़ देता है। अपने लिए इतना पजेसिवनेस देखकर दुल्हन की भी हंसी छूट पड़ती है और वो तो स्टेज पर ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। यहाँ स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाने की रस्म चल रही है, लेकिन ये क्या, ये दूल्हा तो अपनी दुल्हन की बजाय अपने दोस्त के साथ ये रस्म निभाने लगा। कोई नहीं, अभी निभा लो तुम अपना भाईचारा, लेकिन ध्यान रखना, ये गलती तुम्हें शादी के बाद बेचारा भी बना सकती है। अब जरा दूल्हे के कमीने दोस्तों को भी देखते जाइए। वरमाला के दौरान जैसे ही उसके दोस्त ने उसकी होने वाली भाभी को माला पहनाई, ये सब जोश में आ गए और लगे देशभक्ति के नारे लगाने। इनकी हरकत देखकर आप भी हंस पड़ेंगे। इस वीडियो में ये साली साहिबा अपने कजरारे नैना वाले जीजा जी का मुंह मीठा करा रही थी, लेकिन न जाने इनके जीजू को क्या सूझी कि साली का हाथ पकड़कर रसगुल्ला छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन साली साहिबा भी तो मंजी हुई खिलाड़ी निकली, जिसने जीजा जी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और रसगुल्ला पेट में धर लिया। बेचारे जीजा जी मुंह ताकते रह गए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। आइए अब आपको मिलाते हैं कुछ पत्नी व्रता पतियों से। सबसे पहले तो इन संस्कारी दूल्हे राजा से मिलिए, जो वरमाला के बाद अपनी दुल्हन के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। जहाँ एक तरफ इस मोमेंट को देखकर वहाँ खड़े लोग हूटिंग करने लगे, वहीं दूसरी तरफ दुल्हन इतनी इमोशनल हो गई कि वहीं पर रोने लगी। इसी तरह यहाँ भी विदाई के दौरान उल्टी ही गंगा बहने लगी। यहाँ दुल्हन मुस्कुराए जा रही है और पति रोए जा रहा है, मानो विदाई दुल्हन की नहीं बल्कि दूल्हे की हो रही हो। यहाँ ये कपल बाहों में बाहें डालकर रोमांटिक डांस करना चाह रहे थे, लेकिन ये क्या, इनका सारा डांस तो यहीं फंसर गया। इसी तरह इस दूल्हे ने भी सबके सामने अपनी दुल्हनिया के लिए ऐसा गाना गाया कि सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी, यहाँ तक कि खुद दुल्हन भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। इसी तरह शादी करवा रहे इस पंडित जी के मंत्र बोलने का ये अंदाज देखकर आपकी हंसी छूटना 100% तय है। जरा सुनिए तो सही। दोस्तों, दुल्हन की विदाई तो कई देखी होगी, लेकिन हमारा दावा है कि हम जो दिखाने जा रहे हैं वैसी विदाई आपने कभी नहीं देखी होगी। ओ मम्मी, जल्दी बुला लाइए, कहकर रोते हुए विदा होती ये दुल्हन, ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं। मगर क्या करें, दुनिया की रिवायत ही ऐसी है, तभी तो ये दूल्हा उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर ले जाया जा रहा है। इस दुल्हनिया ने पीहर प्रेम में ऐसा तांडव मचाया कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब जरा ये वायरल विदाई भी देख लीजिए, जिसमें ये दुल्हन विदा होने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
लेकिन इसके पीहर वाले ने पूरा मूड बना रखा है कि आज तो इसकी विदाई करनी ही है। फिर जो हुआ वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपने बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हम आपको हमारी कुछ खास अंदाज वाली दुल्हनों से मिलाते हैं। सबसे पहले मिलिए एयर होस्टेस दुल्हनिया से। इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए फीते को इस तरह खींचे, पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं, उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे 2 पीछे 4 पंखों के ऊपर। अब जब दुल्हन एयर होस्टेस हो तब ऐसा ही होगा ना। आइए अब आपको मिलाते हैं चॉकलेट लवर दुल्हन से, जिसने शादी के दिन पूरा श्रृंगार चॉकलेट्स और टॉफियों से ही किया। भाई दुल्हन वही जो पिया मन भाए। वैसे इस दुल्हन की मेहंदी पर आपका क्या कहना है, जिसने इंस्टाग्राम पर फर्स्ट डीएम से लेकर वेडिंग डेट तक सबको अपनी कलाई पर मेहंदी से कार्ड ही बनवा लिया। इस वीडियो में पंडित जी दूल्हे राजा को जो ज्ञान दे रहे हैं उसे सभी दूल्हों को गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। पंडित जी ने जो कहा वो सुनकर दुल्हन भी हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। कन्या अपने सातवें वचन में आपसे बड़ा कड़ा चीज ले रही है, आपके सामने चाहे इंद्र की परी ही क्यों न उतर आवे, लेकिन आप मेरे सिवा किसी पराई स्त्री की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखेंगे। अगर यह वचन आपको मंजूर हो तो मैं आपके बाएं भाग में आने के लिए तैयार हूँ। बोले विष्णु भगवान की जय। वेडिंग सेरेमनी में इस एंकर ने दूल्हे दुल्हनिया से जो प्रॉमिसेस करवाए वो वाकई अल्टीमेट थे। इन्हें सुनकर आपकी भी हंसी छूटना तय है। वचन देता हूँ कि आज से और अभी से, आज से और अभी से मैं अपना फेसबुक और इंस्टा पासवर्ड तुम्हें देता हूँ कि मैं मेरा मोबाइल तुम्हें देता हूँ सुपर लकी। वचन देती हूँ कि आज से शक्कर की तरह मीठी हो जाऊंगी, आज से शक्कर की तरह मीठी हो जाऊंगी और बेवजह शक नहीं करूंगी। कोई टेंशन नहीं, अब हाथ दे दूं। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और उसी मोटिवेशन से हम आपके लिए लाएंगे इससे भी जबरदस्त वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।